brothers and sisters who all have assembled here today evening for this pious function. Sarvana Namaskar. Chalisha Varshancha Kalavadhita Jamnalal Bajaj Purskaramna Vega Vegalya Kshetrata Sarvata Pratishtata Manare Jate. Jamnalalji Jancha Smriti Madhye O Puraskara Ek Bahu Ayami Manushya Hota Ek Swatantra Senani Vyavasayika Samajika Sudaraka Ani Paropakari Swatantra Saticha Apalya Ladya Toto Agrabhagi Hota. I feel very, very happy to be here amidst you all today for this important function. विगत 40 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सुविख्यात नागरिकों को उसकी प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए जमनलाल बजाज पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है. राष्ट्र की रचनात्मक मेधों का सम्मानित प्रोत्साहित करने में इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. आपके विद्वत निर्णयों के लिए मैं पुरस्कारों के निर्णायक मंडल का अभिनंदन करता हूँ. प्रतिभा पुरस्कार, सेवा पुरस्कार, ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है. ये हमारे पूर्वजों ने हमको मार्गदर्शन किया है. जिनके पास कुछ प्रतिभा है, किसी ने कुछ सेवा किया है, उनका मेढा पहचान कर उनका सम्मानित करना ये भारतीय परंपरा है, हमारा संस्कृति का एक भाग है. जमनलाल बजाज जी जीवन पर्यंत गांधीवादी रहे. गांधी जी उन्होंने अपना पांचवा पुत्र मानते थे. जमनलाल बजाज जी और उनके परिवार ने गांधी जी के आदर्शों को अपने निजी जीवन और पारिवारिक संस्कारों में अपनाया. जमनलाल बजाज जी गांधी जी के आदर्शों का अनुकरण करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, साथ ही समाज उत्थान के कार्यों में भी लगे रहे. उनकी पत्नी जानकी देवी जी गौ सेवा के प्रति समर्पित रही. उन्होंने विनोबा जी के भूदान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई. जमनलाल जी के दोनों सुपुत्रों ने परिवार का गांधीवाद संस्कारों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है. आज़ादी के बाद कमल नयन जी ने भारत के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वे रचनात्मक राजनीति में भी सक्रिय रहे और लोकसभा में वर्धा का प्रतिनिधित्व किया है. दूसरे पुत्र रामकृष्ण जी ने व्यापार और व्यवसाय को सामाजिक सरकारों से जोड़ के उनके प्रयासों का फल स्वरूप ही काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का गठन हुआ, जिससे नैतिक और समाज निष्ठा व्यवसायिक नीतियों और रीतियों का प्रोत्साहन मिला है. ये आज का जमाने में बहुत जरूरी है. आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर. ये रामकृष्ण जी के एक प्रयास थे कि जमनलाल जी फाउंडेशन, बजाज जी का फाउंडेशन का स्थापना हो सकी, जिसके तत्वधान में आज ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है. यह सचमुच में प्रशंसनीय है कि स्वर्गीय जमनलाल बजाज जी का राष्ट्रवादी परंपरा को आज श्री राहुल बजाज जी का प्रेरक नेतृत्व में उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी निष्ठापूर्वक निभा रही है. दिस इज रियल डायनास्टी, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सचमुच में ग्रामीण इलाके में काम करने वाले लोगों को बहुत प्रशंसा करना है. कारण क्या है? रूरल पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. Whereas urban comparatively better focus because of the media and because of the communication, because of other facilities and all. Mahatma Gandhi ji ne azadi ke baad do salah diya logon ko. Unhone ek salah, wo political hai, uske bare mein main zyada kahunga nahi. Aajkal main rajneeti mein nahi hu. I am retired from politics but not tired from public life. He said disband the Congress. Azadi mil gaya isliye usko samapt karo. I don't want to dwell on that. It will be misunderstood unnecessarily. The second point is important. He said, back to villages. Gaam ke vor chalo, aisa kaha unhone. Sinke burka dora drushti dekhiye. Vision dekhiye. Because the rural people, even today after so much urbanization, 60% of the people are still living in rural areas. We have to take care of their necessities. And we should have the constructive work in the rural areas. I am very happy such people who have worked in the rural area, they have been identified and they have been recognized and they have been given awards today. The reconstruction of rural India is in consonance with Mahatma Gandhi's philosophy, and most interestingly, they stayed away from the glare of media and fame. My apne vaktavyam ka antam mein Gandhi ji ka prasiddh
व्यक्ति को उद्धृत करना चाहूँगा। गांधी जी ने कहा था, स्वयं को खोजने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि दूसरों के सेवा में स्वयं को समर्पित कर दो। दिस इज व्हाट गांधी जी हैज सेड। सो दैट इज कीपिंग दैट इन माइंड, वी शुड ऑल वर्क इन द डायरेक्शन एंड ऑल्सो वी शुड ऑल एंकरेज इंडियननेस। I am not against anybody. We have opened up foreign direct investment. When the world has become small, when we are living in an age of LPG, liberalization, privatization, globalization, you cannot live in isolation and have consolation for isolation. So you have to understand the best practices and we have to follow the better practices. But there are good practices in India. First, remember them, practice them. So that's why wherever I am going nowadays, my friends, after becoming vice president, after leaving politics, I started going around the universities, colleges, attending their convocations. Secondly, interacting with the scientific community, research institutes. And thirdly, I am also interacting with the farming community, agriculturists, because agriculture is in dire crisis. And then fourthly, I am also interacting with the people who are working in culture and heritage and preservation of our culture. And I'm also interacting with the अच्छा काम करने वाले स्वयंसेवक संगठन जो है NGOs, उन लोगों के साथ भी मिल रहा हूँ। उसी समय मुझे हमेशा इससे प्रेरणा होता है लोगों को पांच विषय बताने के लिए। वो पांच विषय बता के मैं समाप्त करूँगा। वो एक है, हर एक व्यक्ति को अपना, everybody should remember his mother. Mother includes father also, don't misunderstand. Mother, woman, W-O-M-A-N, M-A-N is there, Pata or Pita. Second, everyone should remember the Janma Bhumi, the native place. Wherever you have born, you should never forget it. And I just now, Rahul ji was telling me, Janma Bhumi ke saath Karma Bhumi ko yaad rakhna hai. Achha hai, wo bhi bahut jaruri hai. Aur saath hi saath, Matru Bhasha, jo maa ka garb se aya, us bhasha ko kabhi bolna nahi chahiye. We must all be aware of what is happening. We must take part in a public activity. We must also observe. That's why we have to select good leaders. I'm not talking of any good parties. Good parties are bad parties. Good leaders. In every society, in every walk of life, you need to go for good people. Good means people with character, caliber, capacity and conduct. Four C's are important. Character, caliber, capacity and conduct. But unfortunately, the other four C's are trying to dominate now. They are being replaced. These first four C's. What are the other four C's? Caste, community, cash, criminality. I am very much thankful for the organizers for giving me this opportunity. And I convey once again my compliments to these great people who have been given these awards. And I also would like to compliment the selectors who have selected the best people available. And also thankful to all of you for coming over here to this function. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.